नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 24 घंटे बाद भी हिंसा जारी है और इस हिंसा में पिस रहे हैं वहां रहने वाले हिंदू, जिनके मकान और बिजनेसेस दोनों लूटे जा रहे हैं। यहां तक कि मंदिरों में भी आगजनी हुई है। इस्कॉन मंदिर में भी बम फोड़ा गया है। देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं। बांग्लादेश के 27 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का खेल नया नहीं है। 1971 में भी बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया था। आंकड़े और इतिहास दोनों ये बयां करते हैं। तो आज टक्कर में इसी विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में बगावत हो रही है, हसीना सरकार तो वहां से चली गई है, लेकिन हिंदुओं के लिए नई आफत वहां पर आ गई है। आज सीएनबीसी आवाज का टक्कर का एडिशन इसी विषय पर और इस देश के एक लिबरल तबके को आज का कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एनआरकी क्या होती है ये बांग्लादेश दिखा रहा है, बांग्लादेश बता रहा है। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन में। आंदोलन या अराजकता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्यों हमला? ढुके आमदन पूरा भाई का चुड़ा किच्छू रखे नहीं, अमर काका के खुशती सिलो, अमर भाई के खुशती सिलो, माने इरा कुथा है, अमर माँ बाहर चिलो, अमर माँ जो तो निरुपाय हुए दारा ही देखते से जे घरे। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई है हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। तख्ता पलट शेख हसीना का हुआ, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ वहां रहने वाले हिंदुओं पर टूटा। मकान तोड़े, दुकानें जलाई, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तक खंडित की। मारपीट और हिंसा के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं में डर का माहौल है। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया, वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। Was that minorities, the businesses and temples also came under attack at multiple locations. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. Bangladeshi people, they have chosen this, so then they can get whatever they want. They can have whatever they deserve. It's not my problem anymore. सवाल है कि क्या बांग्लादेश कट्टरपंथ की गिरफ्त में आ गया है? क्योंकि सच्चे आंदोलनकारी किसी समुदाय को टारगेट नहीं करते, लेकिन सियासत का गंदा खेल भारत में भी शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट कर पूछा, क्या लोक कल्याण मार्ग पर भी स्विमिंग पूल है? अब जरा उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान भी सुन लीजिए। जिस देश को हमने बनाया है उस देश की हालत देखिए, इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी, विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले। इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सवाल है कि क्या आरक्षण के विरोध की आड़ में कट्टरपंथियों ने छात्रों को मोहरा बनाकर अपना एजेंडा फिट कर दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हसीना से बदला, हिंदुओं पर क्यों हमला? कहा जा रहा था ना ऑल आईज ऑफ राफा, ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज होना चाहिए आज। और अब वक्त है विश्लेषण का, कट्टरपंथियों के चक्रव्यूह में फंसी दुनिया का विश्लेषण। बांग्लादेश अगस्त 2024, शेख हसीना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। शेख हसीना से इस्तीफा देकर उन्होंने देश को छोड़ दिया है। इस्तीफे के बावजूद कट्टरपंथियों की हिंसा जारी है।
हिंदुओं के घर, मंदिर, बिजनेसेस, दुकानें, मकानों के साथ लूटपाट और तोड़फोड़ जारी है। तस्वीरें और लोगों की क्या भावनाएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। ब्रिटेन 29 जुलाई 2024, इसी साल की बात है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। साउथ पोर्ट में योग क्लास के दौरान चाकूबाजी होती है। चाकूबाजी में 3 बच्चों की दुखद मौत हो जाती है। सोशल मीडिया पर हमलावर के मुस्लिम होने की अफवाह फैली और अफवाह के बाद कई शहरों में हिंसा है, पुलिस कर्मियों पर हमला है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ब्रिटेन की खबर देखेंगे तो यही खबरें आती हुई दिखेंगी। वहां की सरकार इस कट्टरवाद को झेल नहीं पा रही है, बहुत मुश्किल में है। जर्मनी 27 अप्रैल, इसी साल 2024, मैं पीछे नहीं जा रहा, मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। 1100 से ज्यादा कट्टरपंथियों की भीड़ सड़क पर उतरी। खलीफ राज को जर्मनी के लिए शांतिपूर्ण समाधान बताया, खलीफा राज को, यानी खलीफा राज चाहिए जर्मनी के अंदर, और इन लोगों को पनाह दी जर्मनी ने। और जर्मनी को इन लोगों ने क्या दिया, ये आपके सामने है, किस तरह से आगजनी हुई, किस तरह से तमाशा हुआ, किस तरह से हिंसा हुई, ये सबके सामने है। अब फ्रांस की बात कर लेता हूं। 2 जुलाई 2023, नहेल नाम के युवक की पुलिस की गोली से मौत हो जाती है। मौत के विरोध में हजारों कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे, दुकानों में आग लगाई, मॉल को जमकर लूटा, सड़कें जाम कर दी और फ्रांस की सरकार को नाको चने चबाने पड़े। और आज का बड़ा प्रश्न है, जो कि पूरी दुनिया के लिए प्रश्न है, क्या कट्टर सोच समूची दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कोई और इलाका हो। मेरे साथ बात करने के लिए रिजवान अहमद है, पेशे से वकील है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता है, आरएसएन सिंह है, विवेक श्रीवास्तव है, तौसीफ खान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। क्या कट्टरपंथ एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, इसको मानना पड़ेगा? रिजवान अहमद, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में तो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है लेकिन कट्टरपंथी कर रहे हैं। ब्रिटेन हो, वहां तो क्रिश्चियंस के साथ है। जर्मनी के अंदर हम देख रहे हैं हालात क्या है, फ्रांस के अंदर हम हालात देख रहे हैं। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, कश्मीर में जब आजादी का नारा बुलंद हुआ था तो वो एक ज्योग्राफिकल एक लड़ाई थी जो उन लोगों ने शुरू करी कि कश्मीर को अलग करना है भारत से। ये लड़ाई खत्म कहां जाकर हुई? ये लड़ाई यहां खत्म जा आकर हुई कि हिंदुओं को मारो, उनकी दुकानें लूटो, उनके मंदिर तोड़ो, इज्जत आबरू लौटो और भैया हिंदू महिलाओं को छोड़ जाओ, आदमी यहां से चले जाओ। लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी आज़ादी की, ख़त्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। सन 71 का अगर शॉर्ट में बताऊं, वो लड़ाई शुरू हुई थी उर्दू वर्सेस बंगला, ये थी लड़ाई। ख़त्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। ये लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? आरक्षण को लेकर। ख़त्म कहां हो रही है? हिंदुओं की पिटाई को लेकर। तो जब भी हम मुसलमान, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मान लें कि अरब में एक रेवोल्यूशन आ जाए, यस यूएई में एक रेवोल्यूशन आ जाए, तो पता है वो रेवोल्यूशन ख़त्म कहाँ होगा? जो गैर मुसलमान यूएई में काम कर रहे हैं उनकी पिटाई करके ख़त्म होगा। तो जब भी हम देखिए, ये हकीकत है, कोई माने अनमाने, जब भी हम ताकत में होते हैं और कोई आंदोलन करना होता है तो उस आंदोलन को हम एक डायरेक्शन देते हैं जी, कि पहले वहां की अकलियत की पिटाई करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक ट्रेंड है और मुझे ये ट्रेंड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करता है। भारत को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए, CAA जैसा कानून 2014 तक रोकना नहीं चाहिए, और जब भी प्राथमिकता पर अगल बगल से कोई भी हिंदू भारत में आना चाहे उसका इस देश में स्वागत होना चाहिए। संख्या तो बहुत बड़ी संख्या होगी, ये संख्या तो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। अब देखिए, अब अगर ये सवाल है तो हमारी फोर्सेस तो वहां जा नहीं सकती उनको बचाने के लिए। फिर आप ये बताइए कि आप क्या उनको वहां मरने के लिए छोड़ देंगे? पहला सवाल।
संख्या का सवाल, और अगर संख्या की बात है तो इससे पहले भी 2 करोड़ लोग यहां पर घुसपैठिए घुस के खा रहे हैं। तो अगर घुसपैठियों के बजाय कोई शरणार्थी भी आके 2 रोटी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, वो तो शरणार्थी हैं। और क्या आप हिंदुस्तान में बैठ के सिर्फ डिबेट करके उनकी जान माल की रक्षा कर सकते हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल, ये आप भी सवाल अपने से पूछिए और सरकार भी पूछे। जी ये आपका एक पॉइंट है, लेकिन तौसीफ खान का मैं रुक करता हूँ, फिर मैं सरकार के नुमाइंदे यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रवक्ता के पास जाऊंगा। तौसीफ खान, ये विषय बड़ा है, इस पे हर पॉलिटिकल पार्टी संभल के बोल रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन एक विषय कॉमन है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ऐसा क्यों है? क्या कट्टरपंथी हावी हो चले हैं दुनिया में? नहीं, ये बात सही है, कट्टरपंथी हावी हो गए, भारत का भी आप ले सकते हैं इसमें एग्जांपल। भारत का नाम ले सकते हैं आपने? सही, हाँ आपने सारे मुल्कों का नाम लिया, आप भारत का भूल गए। देखिए हमें हमें परवाह होनी चाहिए अपने देश की, हमें चिंता होनी चाहिए अपने देश की, अपने नागरिकों की सुरक्षा की। और ममता बनर्जी हो, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो जयशंकर जी भी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो बहुत सारे रिश्तेदार जो हमारे भारतीय नागरिक छात्र जो बांग्लादेश में है, या हमारे भारतीय नागरिक के बहुत सारे रिश्तेदार जो बांग्लादेश में है, वहां से अगर कोई लोग जो वापस आना चाहते हैं उनके अरेंजमेंट्स की जा रही है। और ये अरेंजमेंट्स देखिए 1 महीने से चल रहा है, क्योंकि ये सारा जो झगड़ा है, ये छात्र आंदोलन 1 महीने से ये चालू हुआ। ये चालू इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें 30% जो आरक्षण का मामला है कि आर्मी वेटरन्स को ही नौकरी दिया जाएगा, ये आरक्षण खत्म करो, ये उनका मांग था। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए शेख हसीना ने जो कदम उठाए उसमें 14,000 छात्रों को जेल में अरेस्ट करके भाग दिया गया, 200 छात्रों की मौत हुई गोली चला करके पुलिस द्वारा, और इसी का आक्रोश है, इसी के जनता जो है भड़की हुई है। आज बांग्लादेश में जगह जगह पे शेख मुजीबुर रहमान के वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया, शेख हसीना भी देश छोड़ के चली गई है, तो अब क्यों मारा जा रहा है वहां पर? हिंदुओं को क्यों माना जा रहा है? उनकी दुकानें क्यों लूटी जा रही हैं? नहीं, शेख के मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? पार्टी शेख हसीना के और आप भारत का भी मुकाबला कर रहे हैं, समर्थन करने वाले लोग पे ये भारत के अंदर अखिलेशों के साथ ऐसा हो रहा है क्या? अभी कुछ घंटे पहले ही शेख हसीना के सरकार में जो विदेश मंत्री रहे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर को जो है जला दिया गया। तो हाँ, माहौल बहुत गंभीर है, माहौल बांग्लादेश में खराब है, और भारत सरकार के लिए और भारतीयों के लिए ये बेहतर रहेगा कि जिस तरीके से शेख हसीना के साथ एक भारत सरकार के अच्छे रिलेशन थे, अच्छे संबंध थे, उसी तरीके से जो भी अभी गवर्नमेंट बनाए, इंटरिम गवर्नमेंट जो भी बनाए, उसके साथ प्रायोरिटी अच्छे संबंध बनाने पे होनी चाहिए कि अभी वहां पर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उनको बचाने पे होनी चाहिए? नहीं, रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, सरकार के तरफ से अगर कोई रिपोर्ट आती Rumor? है, अरे इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया है, इस्कॉन मंदिर में बम चलाया गया है, हिंदुओं की बाइट मैंने दिखाई है, वो कह रहे हमारे 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 घरों को लूटा जा रहा है, हमारी दुकानों को लूटा जा रहा है, हमारे बिजनेसेस को लूटा जा रहा है। इस पे जो है हमें सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। बीजेपी के नेता ने कल एक बीजेपी के नेता ने स्टेटमेंट दे दिया बंगाल में, ममता बनर्जी ने कहा कि हमें पॉलिटिशियंस लोगों को ये चाहिए कि भाई भारत सरकार का जो फैसला रहेगा उस पे ममता बनर्जी खड़ी है, और पूरा ऑपोजिशन जो है इस मुद्दे पे ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मंदिरों को अटैक, मंदिर अटैक में है, बिजनेसेस अटैक में है, और आप कह रहे ह्यूमन मॉन्गरिंग, अब मानने को तैयार नहीं है कि ये हो रहा है, अभी बोल देंगे ब्रिटेन में भी कुछ नहीं हुआ, बोलेंगे जर्मनी में भी कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बोल रहा हूँ ब्रिटेन में भी कट्टरपंथी है, जर्मनी में भी कट्टरपंथी है, भारत में भी कट्टरपंथी है, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी, भारत को भी आप क्यों भूल जाते हैं भाई? सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी का रिप्लाई जरूरी है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जिस समय आज विदेश मंत्री जयशंकर जी ने राज्यसभा, सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप राज्यसभा के हैं, ऑफिशियल पोजीशन क्या है इस समय, क्या हिंदू टारगेट है बांग्लादेश के अंदर? देखिए आज 2:30 बजे जब विदेश मंत्री एस शंकर जी ने राज्यसभा में वक्तव्य दिया, मैं वहां उपस्थित था, उन्होंने पूरे बांग्लादेश का घटनाक्रम बताया, उन्होंने ये भी बताया पिछले कई दिनों से भारत सरकार सतर्कता से नजर रखे हुए है,
और वहाँ की रूलिंग पार्टी के साथ जो अन्य ग्रुप्स हैं उनके साथ भी संवाद के सूत्र खोल के रखें। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार की यह चिंता है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वहाँ मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं वो स्थितियों को और ख़तरनाक कर सकते हैं, और भारत इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता से दृष्टि रखे हुए। वहाँ से भारतीयों को निकालना, 19,000 लोग हैं, वो सब भी बोला। तो ये सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य। बड़ी दुख की बात है कि जो दुखद दृश्य दिखाई पड़ रहा बांग्लादेश में, उससे ज़्यादा दुखद बात है कि तौसीफ खान साहब आके जिस ढंग का डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा भारत में कट्टरपंथी हैं। बिल्कुल तौसीफ खान साहब, यही तो समझ में नहीं आता, ये होता क्या है? मामला शुरू हुआ बांग्लादेश के आरक्षण पे, टारगेट पे आ गए हिंदू। याद करिए भारत में जब हमारी सरकार नहीं थी, 2012 मुंबई का आजाद मैदान कट्टरपंथियों ने क्यों तोड़ दिया था, और सिर्फ मुंबई का आजाद मैदान नहीं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन सब जगहों पर बवाल हुआ था। किस मुद्दे पर? कि एक फेसबुक पे फोटो चल गई थी कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए, बाद में पता चला वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की बात थी। मैं तो ये भी पूछ रहा हूं, अगर बर्मा में मारे गए थे तो भी ये हिंदू मुस्लिम बवाल भारत में क्यों होने लगा, और ये अमर जवान ज्योति तोड़ने का क्या अर्थ था? यही वो कट्टरपंथी जहनीयत है जो तौसीफ खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही समझना चाहिए। हिंदुस्तान में भी वही कट्टरपंथी जहनियत है, और मैं लोगों को बता देना चाहता हूं ये जहनियत इतिहास और भूगोल दोनों को नहीं छोड़ती है। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अनुसूचित जाति समाज से आते थे, तो पाकिस्तान बोले 2.5 मिनट वो भी बोले, अपने टर्न पे बोलिए। अभी आपको बहुत सारा जवाब देता हूं मेरे भाई, अभी जवाब दे रहा हूं, आप शांत रहिए, मैं पूरा जवाब दूंगा, फिर उसके बाद आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। मगर पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल भी दलित समाज से थे और इसी बांग्लादेश से थे। उनको लगा था कि कट्टरपंथियों का साथ दे के हमारी कुछ भलाई होगी। मैं दर्शकों से कहता हूं जोगेंद्रनाथ मंडल ने दुखी होकर वहां दलितों पर हुए अत्याचार के बाद जो इस्तीफा दिया है पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर के रूप में, जाके उसको पढ़िए। और मैं एक और फूड फॉर थॉट सबके लिए छोड़ता हूं, जो आज SC ST OBC की बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी तो उतने ही SC ST OBC थे जितने आज के बंगाल में थे। कहां चले गए 75%? अरे 75% कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया मेरे भाई, बताओ तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक सोचिए, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल DNA तो एक है, रिश्तेदारियां भी उधर, फिर क्या कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत नहीं है? क्योंकि कल्चरल DNA बदल गया है। कल्चरल DNA यह है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू कल्चर का DNA रहता है, डेमोक्रेसी मजबूत रहती है, और दूसरा DNA आ जाता है तो ऐसी तैसी हो जाती है। अब एक लाइन में जवाब दे देता हूं ताकि औरों को भी। तौसीफ खान ने कहा कि भारत में, हां साहब, इस बात को तो कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि बिकॉज हिंदू मेजोरिटी में भारत के अंदर, इसलिए यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल कर पा रही है। इसके अगल बगल के देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कई डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करी। अमित जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनको लग रहा है कि भारत में उनको हिंदू कट्टरपंथियों की वजह से समस्या हो रही है। तो अभी रूस के दागिस्तान में जो धमाके हुए थे वो मोदी, RSS और बजरंग दल की वजह से हुए थे। तौसीफ खान साहब, ये बोस्निया हर्जोगोवीना में सर्वों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, ये अभी जो हो रहा है इसराइल में हमास ने अटैक किया है, वो मतलब BJP और RSS की वजह से हो रहा है। सोमालिया और इथोपिया में BJP RSS की वजह से हो रहा है। हैं, ये बताइए लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में जो विस्फोट हुए वो BJP RSS की वजह से हो रहे थे। अरे भाई साहब, ये कोरोना का जैसे वायरस पूरी दुनिया में फैला था उस ढंग की ये चुनौती है। और मैं रिजवान साहब से कहना चाहूंगा, जो उन्होंने बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए, बात शुरू होकर हिंदुओं की पिटाई तक नहीं पहुंचती है, जब टोटल उनकी सरकार आ जाती है तो एक दूसरे की पिटाई शुरू हो जाती है। भाई काबुल बताइए, अबू बकर अल बगदादी का कंट्रोल है सीरिया और इराक में, तो काहे मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं? काबुल में तो निजामे मुस्तफा है तो मस्जिदों में धमाके क्यों हो रहे हैं? तहरीके तालिबान तो पाकिस्तान ने खड़ा किया हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने खड़ा किया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान है, तो क्यों पेशावर के मंदिर में धमाके हो रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कट्टरपंथी का खेल बहुत बुरा होता है और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आई है, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए, तिजारत के लिए। इतने बड़े अपने मुस्तकबिल को, यानी भविष्य को दांव पे लगा दो, जो किसी को नहीं बख्शेगा, हिंदुओं को नहीं बख्शेगा, वो तो छोड़िए, मुसलमानों को भी नहीं बख्शेगा। इसलिए जब वहां कट्टरपंथा की बात आती है, और ये वही गलती है जो आज से 50-60 साल पहले की गई थी, 47 में वही मानसिकता थी, 72 में वही मानसिकता थी,
बांग्लादेश की कट्टरपंथी लोगों की और आज भी वही मानसिकता है, मगर क्या बताएं ये सेकुलर सियासत करने वालों की वही मानसिकता 47 में थी कंप्रोमाइज करने की कि शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद कर लो, वही 72 में थी और वही 2024 में है। तो कट्टरपंथियों के हाथ में खेलने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विवेक श्रीवास्तव लेखक है दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास, बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश द अनटोल्ड स्टोरी, 2021 में ये नोआखली में दुर्गा पूजा के दौरान दंगों को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना हमारे जीवन में वापस आ गए हैं लेकिन अब हमारे पास गोपाल पाठा नहीं है। किताब का संदेश है कि हाल के सालों में बांग्लादेश में हिंदू पहचान किसी श्राप जैसा बन गया है और हिंदू पहचान का अर्थ है मृत्यु। यानी कुल मिलाकर आज आपको लगता है कि आप सीए का जो विरोध कर रहे थे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं था, सीए का विरोध अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं था, ये इन करोड़ों हिंदू और सिख भाइयों का विरोध था जिनके पास कोई इस दुनिया में मुल्क नहीं है भारत के अलावा। नहीं, अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे आता हूं। पहला पॉइंट ये है कि इंडिया अलायंस ने वो हम सरकार के साथ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी स्टैंड होगा बांग्लादेश को लेकर के एज अ फॉरेन पॉलिसी वी आर विद देम। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी मिले थे एस जयशंकर जी के साथ और पूरा समर्थन हमने इनको दिया है। अगर ये कोई भी एक नीति निकालते हैं उसको सार्वजनिक करते हैं और अन्य अपोजिशन पार्टीज को बताते हैं कि अगर वहां हिंदुओं पे अटैक हो रहा है तो क्या भारत सरकार की नीति है, तो डेफिनेटली हमारा समर्थन इनके साथ है, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा वक्तव्य जो मेरे प्रिय मित्र सुधांशु त्रिवेदी मेंबर पार्लियामेंट का था, अगर कोई इसको सुनेगा तो वो यही कहेगा कि ये एक हिंदू सुप्रीमेसी के वक्तव्य है जो सिर्फ एक हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है, हिंदू डीएनए की सुपीरियरिटी की बात करता है। व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू सुप्रीमेसी? हिंदू सुप्रीमेसी कहां है? नहीं सुनते हैं, दुनिया में बताइए हिंदू सुप्रीमेसी क्या है? बोलने दीजिए सर। नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं आपको। हिंदू सुप्रीमेसी है कहां पूरी दुनिया में? मेंबर पार्लियामेंट, हां सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना सर, हिंदू सुप्रीमेसी वो होती है जब मेरा मेंबर पार्लियामेंट खड़े होकर के बोलता है कि देश प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि हिंदू डीएनए की वजह से। इसका मतलब अन्य लोगों का जो डीएनए है वो इन्फीरियर है, अन्य धर्मों के लोगों का डीएनए माने नहीं रखता, उनका कंट्रीब्यूशन देश की डेमोक्रेसी में जीरो है। और यही इस्लामोफोबिया जो आप फैलाते हैं, जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए इस देश में और अन्य देशों में फैलता है, तब मंदिरों पर हमले होते हैं, चाहे लंदन में मंदिर पर हमला हो, चाहे कनाडा में हिंदुओं को मारा गया हो, पिटाई की गई हो, और अब जो हो रहा है, आप जब यह दिखाएंगे कि आपके मुल्क में जो दुनिया का एक बड़ा प्रजातंत्र है उसमें माइनॉरिटीज कट्टर हैं, ये धर्म इंफीरियर है, ये धर्म वायलेंट है, ये धर्म दंगे कराता है, ये धर्म देश में हिंदू मारे गए, सारा आतंकवाद हिंदू मारे गए, वो इस्लामोफोबिया करा था। सर अब मेरी बात सुनिए, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, इस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्लामिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड, बड़ा प्रश्न है। आप जब मैं कहूंगा मुझे 10 सेकंड दीजिए। अमेरिका ने इराक को समाप्त किया, कोई बोला। अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया, कोई बोला। कुवैत के अंदर घुसा, कोई बोला। अफगानिस्तान समाप्त किया, कोई बोला। हर जगह पे, यहां तक कि अभी भी आज भी बहुत से फौजी इंक्लूडिंग जनरल बख्शी कह रहे हैं ये CIA का खेल है बांग्लादेश में। क्या सबसे बड़ा कट्टरवादी देश इस पृथ्वी का अमेरिका है या नहीं? सुधांशु त्रिवेदी, आपने सुधांशु डीएनए का मुसलमानों का है सवाल पूछे, उनका जवाब जरूरी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं पहले इनका जवाब दे देता हूं, इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। जनाब ये बताइए, हिंदुस्तान में जो मोपलाओं ने मारा था 110 साल पहले वो CIA की वजह से मारा था। आपने कहा हिंदू सुप्रीमेसी की बात नहीं करें, भारत में हिंदुओं से लड़ाई है, चाइना में कम्युनिस्टों से लड़ाई है, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है, इसराइल में यहूदियों से लड़ाई है, यूरोप में ईसाइयों से लड़ाई है, बर्मा में संत भिराथू लड़ रहे हैं, तो किससे लड़ाई है? भारत के मुसलमान की, भारत के हिंदुओं की लड़ाई नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, ज्यादा मत बोलिए, आपने बहुत बोल दिया, बेवजह इधर उधर की फालतू की बात। भारत के मुसलमान की, भारत के हिंदुओं की लड़ाई नहीं है। कोई नहीं बोला, अपनी टर्न पे बोलिए। आपको ऑडियो में तब खोलूंगा जब सुधांशु त्रिवेदी की बात समाप्त करेंगे। और किसी ने नहीं बोला कि भारत के हिंदुओं की मुसलमानों की लड़ाई है, ये किसी ने मेरी चर्चा में नहीं बोला। हां सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, श्रीलंका में ईस्टर संडे में चर्चों में जाके विस्फोट किसने किया? उसका हिंदू सुप्रीमेसी से लेने देना था। और विवेक श्रीवास्तव कान खोल के सुनिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 1999-2000 की फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है जो उसके साथ ब्रुकिंग्स थिंक टैंक है बहुत बड़ा,
उसने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और आपकी रिलीजियस कल्चरल इंक्लिनेशन के बीच में रिलेशन ड्रॉ किया है। 1999-2000 फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ब्रुकिंग्स की, और उसने कहा है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हिंदू सोसाइटी में डेमोक्रेसी के लिए रहती है। भारत का उदाहरण दिया, जहां हिंदू थोड़ी संख्या में भी है वहां भी खूनी संघर्ष नहीं होते, जैसे मॉरिशस, जैसे फिजी, जैसे गुयाना, और उन्होंने नेपाल का भी उदाहरण दिया एक अपवाद के छोड़ के, तब तक 2000 तक को हुआ नहीं था। फिर उन्होंने कहा उसके बाद जो बौद्ध देश हैं, यानी जो हिंदू फैमिली के हैं, वहां भी डेमोक्रेसी अनस्टेबल भी रहती है, तो सत्ता संघर्ष उतना खूनी नहीं होता है, जिसमें थाईलैंड और अन्य जगहों का उदाहरण दिया। उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद आते हैं क्रिश्चियंस, जहां पर समस्या ज्यादा रहती है, और लास्ट उस रिपोर्ट में कहा गया मुस्लिम्स में डेमोक्रेसी के लिए टॉलरेंस बहुत कम है। मेरे भाई विवेक, आप बोल रहे हैं, जरा एक मुस्लिम देश बताइए जहां डेमोक्रेसी हो, और जो विवेक विवेक उसके बाद बोलिए, एनी नेम एनी मुस्लिम कंट्री जहां डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है आज की डेट के अंदर, ये क्वेश्चन है सुधांशु जी का, उनका पॉइंट। और सेकुलर डेमोक्रेसी थी इसी पाकिस्तान को, यहाँ भी इलेक्शन तो होता ही है, चाहे आर्मी आ रही है, ये तो अनस्टेबल थी वहां पहले, जनरल पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। सर मुझे बोलने दीजिए, नाउ लेट मी स्पीक, कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक, मैं एक एक करके बोलता हूँ, मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने कहा साहब बुद्धिस्ट कंट्री बताइए, पहले तो बुद्धिस्ट को हिंदू का सबसेट मानना बंद करिए, सिखिज्म को हिंदुओं का सबसेट मानना बंद करिए, दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नंबर टू, म्यांमार इज अ बुद्धिस्ट कंट्री। भाई तुम तो धर्म को भी मानने वाले धर्म पे कहां भाषण करने लगे भाई, बोलने दीजिए अब आप, नाउ डोंट इंटरफेयर, धर्म पे भाषण करने लगते, सुनिए, अलाउ हिम, अलाउ हिम 40 सेकंड, अलाउ हिम, इंटरफेयर करके इनको रोकिए जरा, बोलिए, गलत है। सबसे पहले मैंने म्यांमार का एग्जांपल दिया, रोहिंग्यास का जो करंट एग्जांपल था, अब मैं आपको बताता हूं, हम जब पढ़ते थे 1990s के अंदर भूटान के अंदर बुद्धिस्ट वर्सेस हिंदूज की एक बड़ी मेजर आर्म स्किर्मिशेस हुई थी, हुए थे दंगे, आप जरा पढ़ करके आइए, और नेपालियों को वहां से भगाया गया था। तो मैं ये कहना कि सिर्फ एक धर्म विशेष रिस्पॉन्सिबल है वायलेंस के लिए, ये बिल्कुल ही गलत है। आपने कहा मुसलमान जहां होते हैं वहां समस्या है, आपने कहा हिंदुस्तान में ये हिंदुओं के खिलाफ है, मैं नहीं मानता कि भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के खिलाफ है, ये आपका नैरेटिव होगा, मेरा नहीं है। आपका कहना है साहब कि जहां पे हिंदू होते हैं वहीं पर डेमोक्रेसी होती है, बड़ी अच्छी बात है आपने कहा, ठीक है, दूसरे धर्मों पे उंगली उठाना आप कृपा करके बंद करें। आरएसएन 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 रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, ओके ओके, विवेक विवेक यू मेड योर माइंड, ओके ओके, आरएसएन भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आरएसएन आरएसएन आरएसएन, मैं बिल्कुल सुधांशु जाता हूँ, आरएसएन समस्या की जड़ की हम बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि इस पूरे मामले के अंदर शेख हसीना देश छोड़ के आ गई, लेकिन घर फूंक दिए गए हिंदुओं के, बाकी लोगों के भी घर फूंक के जा रहे हैं, लेकिन टारगेट हिंदुओं को कर दिया गया, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके बिजनेस लूटे जा रहे हैं, उनकी दुकानों पर आग लगाई जा रही है। देखिए अमीश, आपने मुझे एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट के हैसियत से बुलाया है, तो आपका पहला ये आपका वक्तव्य था कि शेख हसीना पे हमला हुआ, ये शेख हसीना पे ये हमला नहीं था अमीश, ये हमला बांग्लादेश पे था, और हमारे लिए उनका कितनी अहम भूमिका थी भारत के हित के लिए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप एक उधर सदर्न पार्ट में साउथ ईस्ट अगर आप आ जाएं नीचे बांग्लादेश में, तो एक सोना दिया प्रोजेक्ट था, वहाँ चाइना डीप सी पोर्ट बनाना चाहता था। 2006 में इसको वो किया गया, दिस आइडिया वाज मूटेड, उसके बाद ये चाइनीज़ के हेल्प से बनने वाला था, और चाइना के बड़े ग्रैंड डिज़ाइन और एम्बिशंस थे वहाँ पे, और इस प्रोजेक्ट को भारत के विरोध के कारण उसको शेल्फ कर दिया गया। हमारी चिंता बिल्कुल जेन्युइन थी, और वो थी कि कहीं चाइनीज़ यहाँ पर आ गए और हम्बन टोटा की तरह उनको डेट के ट्रैप में डाल दिया, तो एक बे ऑफ बंगाल में चाइनीज़ का परमानेंट प्रेजेंस हो जाएगा। तो उन्होंने इसको डीप सी पोर्ट को उन्होंने शेल्फ कर दिया, और उसके बदले में एक जगह है ये माता बारी, वो कोक्सेस बाज़ार से 25 किलोमीटर पे है, वहाँ एक डीप सी पोर्ट बनाने की योजना बनाई गई, और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जापानीज़ को दिया जा रहा है। मैं चिन्मय दास के पास चल सकता हूँ,
इस समय मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ ढाका से चिन्मय दास जुड़ रहे हैं, इस्कॉन टेंपल के पुजारी हैं, मेरे साथ इस समय बांग्लादेश से लाइव जुड़ रहे हैं। चिन्मय दास जी, क्या स्थिति है? कल बम इस्कॉन मंदिर में फटा था, फोड़ा गया था, अभी करंट कंडीशन क्या है? और हिंदूज को हम लगातार सुन रहे हैं वहां टारगेट पे लिया जा रहा है। प्रभु जी, कल शेख हसीना का फॉल करने के बाद बांग्लादेश में बहुत हिंदू टेंपल है, नाइट में 9:02 AM टाइम में बांग्लादेश हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन ओक्य परिषद एक लिस्ट बनाया होल बांग्लादेश में 35 डिस्ट्रिक्ट में 47 ऑकरेंस हुआ और हिंदू लोग को अभी समस्या चल रहा है। ओ बांग्लादेश में हिंदू लोग का होम, हिंदू लोग का बिजनेस सेंटर, काली मंदिर, शिव मंदिर, आदर्श टेंपल और मेहरपुर इस्कॉन के इस्कॉन टेंपल में अटैक हुआ, इस्कॉन टेंपल में अग्नि संयोग हुआ, आग लगाया और लूटपाट हुआ, भगवान का डीटी डिस्ट्रॉय किया और जो पुजारी लोग वो जान ले का भागा। टोटल में बांग्लादेश में बहुत हिंदू लीडर अटैक किया, किल हुआ और अभी तक जो पुलिस स्टेशन रैपिड एक्शन बटालियन जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर, पुलिस लोग भागा थाना पुलिस स्टेशन से, ड्रेस चेंज किया और उपजिला प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन फेल किया और लॉ एंड ऑर्डर टोटल डिस्ट्रॉय और बड़ी जो और जो हिंदू टेंपल बाकी रहेगा वो टेंपल में कुछ कुछ प्लेस में लोकल हिंदू हिंदू कम्युनिटी और अच्छा कुछ मुसलमान लोग एक साथ में पहरा दिया और टेंपल सेफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रचेष्टा कर रहा है और ज़्यादा प्लेस में अटैक हो रहा है और हिंदू लोग रूम से अंदर से बाहर जाना के लिए साहस नहीं कर रहा है। हिंदू लोग अंदर से बाहर जाने के लिए साहस नहीं कर रहे, ज्यादातर हिंदुओं पे अटैक हो रहा है। मेरे साथ रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुधांशु त्रिवेदी। चिन्मय दास जी वो आपको इस समय सुन सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये सबसे बड़ी गवाही है, चिन्मय दास पहली बार किसी चैनल पर आकर इस तरह की बात ऑफिशियली हमारे सामने रख रहे हैं कि हिंदुओं को वहां टारगेट बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हो रही थी कि रूमर पे ना यकीन करिए, इससे बड़ी गवाही क्या होगी? सुधांशु जी, कोई बात आप चिन्मय दास जी से कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पीड़ित है वहां पर और आप सरकार में है। देखिए, चिन्मय दास जी ने जिस पीड़ा की अभिव्यक्त की है वो बहुत दुखद है और दुखद और अधिक इसलिए है कि वो इस्कॉन संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, इस्कॉन संस्था वो है जिसके लिए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने लिखा था कि जब उनका जिंदगी में बुरा दौर आ गया था और उनके पास खाने के ढंग से पैसे नहीं थे तो दो टाइम का खाना उन्हें इस्कॉन मंदिर में उन्होंने महीनों तक खाया है और उसके बाद उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया। तो यह दर्शाता है कि कौन सी संस्कृति और कौन सी संस्थाएं विश्व में सकारात्मक यानी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देती हैं और कौन सी संस्थाएं निगेटिव कंट्रीब्यूशन देती हैं। एक बात जरूर मुझे उनकी बात से ध्यान आ गई बरबस, आप याद करिए अमीश जी, 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद बांग्लादेश में इतना भयानक हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था कि तस्लीमा नसरीन ने बाद में एक किताब लिखी थी लज्जा और भारत तक में उसमें उन्हें रहने नहीं दिया गया था। पर इतना सब कुछ देखने के बाद भी क्या भारत में एक घटना हो रही है? नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी, उनकी बात का जवाब
उस समय की घटना 30 साल पहले का बांग्लादेश और पाकिस्तान और आज का भारत खुद ब खुद दे रहा है। और एक लाइन और कह दूं, मुझे और ज्यादा कष्ट और दुख तब होता है। लेकिन सुधांशु, मेरा पॉइंट यह है कि चिन्मय दास जी जिस तकलीफ से निकल गुजर रहे हैं, क्या उनको उनकी टीम को हिंदुओं को वहां से भारत लाने की कोई व्यवस्था हो पाएगी? क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई मुल्क नहीं है, ये बदनसीबी भी है इस देश के हिंदू की और दुनिया भर के हिंदुओं की, उनका कोई मुल्क नहीं है हिंदुस्तान के अलावा, सिखों का भी कोई और मुल्क नहीं है हिंदुस्तान के अलावा, भारत के अलावा, इंडिया के अलावा। मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं, देखिए अभी वर्तमान में भारत सरकार वहां की स्थिति पर सतर्कता से नजर रखे हुए, पर सर लोग वहां आगे जाकर परिस्थितियां कैसी होंगी, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं जी, उसके लिए ही भारत सरकार ने सीएए की व्यवस्था की थी, सिखों को हम लाए थे कि नहीं, और जो हमसे कहते थे कि उनको रिलीजियस परसिक्यूशन दुख दिख नहीं रहा है, आज आंखें खोलो देखो, राजनीति की काली पट्टी अपनी आंखों से हटाओ जो सामने दिख रहा है, और उसके बाद यह तय करो कि मानवीय आधार के ऊपर इस देश में। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपकी आंखों में आंसू मुझे दिख रहे हैं, एक सेकंड, आपकी आंखों में मुझे आंसू दिख रहे हैं, एक दुख और वेदना है, हर एक हिंदुस्तानी भारतीय के मन के अंदर जो कुछ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं वहां से? मैं चाहता हूँ और टोटल हिंदू कम्युनिटी लोग चाहता है, जो बांग्लादेश भारतीय संस्कृति अविभक्त भारत का अंश है, तो बांग्लादेश बहुत हिंदू मुसलमान बौद्ध क्रिश्चियन का आत्मत्याग से बांग्लादेश स्वाधीन हुआ, वो बांग्लादेश स्वाधीन टाइम से 4 प्रिंसिपल धर्म निरपेक्षता समाजतंत्र गणतंत्र जातीयतावाद के लिए एस्टैब्लिश हुआ, वो हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन के साथ भूमि ज संतान रूप से बांग्लादेश में रहना चाहिए, और हमारा जो संस्कृति है वो सबका साथ बांटने चाहिए और सबको साथ मिल का लेकिन वो तो आपको साथ लेके चल नहीं रहे ना, जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे यहाँ, उन मूर्तियों तक को तो तोड़ दिया गया है, वो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, जैसे रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वैसे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उन मूर्तियों को तोड़ा गया है, और एक मंदिर नहीं कई मंदिर है जहां पर ये घटना हुई है। ये परिस्थिति के लिए दाई है वो बांग्लादेश में विचारहीनता संस्कृति, वो फर्स्ट टाइम से आज तक एवरी जो सांप्रदायिक सहिंसता हुआ वन विचार नहीं हुआ। बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना अगले 48 घंटे में भारत छोड़ सकती है, अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत छोड़ देंगी, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना अगले 48 घंटे में यानी 2 दिनों के बाद यूरोप जा सकती है, यूरोप के एक देश में पनाह मिलने की खबर आ रही है, 48 घंटों में भारत छोड़ सकती है, इस समय गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मौजूद है जहां एनएसए अजीत डोवल ने भी मुलाकात करी है, शेख हसीना से कल मुलाकात करी थी। रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, मेरे साथ साजिद रशीदी हैं जो अभी तक बोले भी नहीं है इस चर्चा के अंदर, साजिद रशीदी पॉइंट यह है कि जिस सीए का आप विरोध कर रहे थे, जिस सीए को आप नुकसानदेह बता रहे थे, आज उसी सीए की आवश्यकता है। अमीश एक बात समझ में नहीं आती मेरे, बांग्लादेश की लड़ाई को यहां हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? बांग्लादेश में एक लड़ाई है, चाहे उनके अपनी अंदर की कैसी भी लड़ाई है, हम घोर विरोध करते हैं इस बात का कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक है, हम घोर विरोध करते हैं इसका, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है ये कहकर के साहब वहां ऐसा हो रहा है, किसने करा? यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़े जा रहा है वहां करने के लिए, किसने करा? सारे डिबेट में जो जितने लोग बैठे हुए हैं, अरे सुधांशु त्रिवेदी जी की तकरीर सुन लो आप, ये तो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, सारी दुनिया को इन्होंने गिनवा दिया, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है, इनको ये नजर नहीं आता। ये देखिए 6 जगहों की तस्वीर तो मेरे पास है कि मुसलमान लड़के मंदिरों के सामने चैन बना के खड़े हुए हैं, सारे लोग आतंकवादी नहीं होते,
सारे लोग बुरे नहीं होते हर जगह, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सब जगह है, यहां भी है हिंदुस्तान में, कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं लेकिन हमले करते हैं मदरसों पर, यहां भी होता है, यहां के नहीं होता है। आप मदरसों मतलब बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मस्जिदों मतलब बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको भाई आप कंपेयर करने की बात आ गई। अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अभी आप भी ज्ञान दे रहे थे, एक सेकंड, अभी आप ही ने ये ज्ञान वर्धन किया कि आप भारत के अंदर इस चर्चा को क्यों लेके आ रहे हैं। अभी आप कावड़ को बीच में ले आए, आप ही ने क्या है अभी कावड़ को बीच के अंदर, कावड़ का क्या लेना देना बांग्लादेश की स्थिति के साथ, सुनो, कावड़ यात्रियों का क्या लेना देना। 32 मिनट के बाद आप मेरे पास नहीं, मैं आपके पास मुझे एक मिनट मैं तो आपके तो, पास मैं आपके मिनट पास के बाद दो मिनट के लिए और आ जाऊंगा, मैं आपके पास 5 मिनट के लिए और आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना पॉइंट बोलने के क्या बोल रहे हैं। एक सेकंड दीजिए, सुधांशु रिजवान अहमद, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने पूरी दुनिया में घुमा दिया आपको, आपकी बात ना करी जाए यहाँ पर, यहाँ ये बात ना हो कि यहाँ मुसलमानों पर किस तरीके से यहाँ कुछ हो रहा है, वो बात ना करी जाए, सिर्फ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, चर्चा ही बांग्लादेश के बारे में है ना, हिंदुस्तान का मुसलमान उसके साथ खड़ा है, चर्चा ही बांग्लादेश के बारे में है, मुसलमान खड़ा है हिंदुस्तान का, नहीं नहीं नहीं, ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस की बात इसलिए हुई क्योंकि वहां पे भी हालात कट्टरपंथियों ने खराब करे हैं। ओके रिजवान अहमद, इनकी अपनी इनकी हाँ। इनको अब इनका कहना क्या वाजिब है। ओके रिजवान अहमद, घुसपैठिया अलाउ नहीं है जी, अमित जी अलाउ नहीं है तो शेख, अमित जी अरे इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए, नहीं अब शेख हसीना के बारे में क्या, शेख हसीना का क्या करना है, वो विदेश मंत्रालय फैसला ले लेगा और ऑल पार्टी मीटिंग हो गई हो रही है इसके ऊपर, आप तो सांसद है नहीं, अमित जी पार्टी के नुमाइंदे रशीदी साहब है नहीं, आप नहीं बुलाते, ब्रीफ करा जाता है ऊपर, क्यों थोपा जा रहा है उसको, क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, मुसलमानों पर मत थोपो उस प्रकरण को, नहीं पर शेख हसीना, आपने शेख हसीना पर जो पॉइंट बोला, शेख हसीना के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, आप किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते इसलिए आपको ब्रीफ नहीं, तो मेरे भाई सरकार देख लेगी ना, एक सेकंड सर, मैं तो ये कहता हूं कि बांग्लादेश को ओके रशीदी साहब, रशीदी साहब आपने तो कावड़ को भी मिला लिया, ओके रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, अमित जी, अमित जी मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूं कि बांग्लादेश की हिंसा से भारत का हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, और म्यांमार की हिंसा से भी भारत के मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, श्रीवास्तव जी से एक सवाल पूछना है बड़ा मासूम सा। श्रीवास्तव भाई, जब सुधांशु भाई ने डीएनए की बात करी तो आपने बड़ी अच्छी तकरीर करी और उनकी बात को काटने की कोशिश करी, मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यह है कि जब भी किसी मुसलमान मुल्क में कोई हिंसा होती है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहां से जो शरणार्थी भागते हैं, वो यार एक बात समझ में नहीं आई श्रीवास्तव जी, वो कभी मुसलमान मुल्क में क्यों नहीं जाते, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इंडिया आते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो कौन से डीएनए से डरते हैं जो वो मुसलमान होते हुए मुसलमान मुल्क में शरण नहीं चाहते हैं, वो गैर मुसलमान मुल्क में चाहते हैं, ये क्या, ये क्यों होता है, मैं बता देता हूं आपको, वो उसका कारण ये है कि गल्फ की राजनीति के अंदर मेजॉरिटी वायलेंस करने वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी अलाइड कंट्रीज हैं, जिन्होंने कुछ मुसलमान मुल्कों को अपना नुमाइंदा बना रखा है, जिसमें सऊदी अरेबिया सबसे आगे है। मैं और भी लिस्ट दे देता हूँ, पैलेस्टीन की समस्या, हमास तो अभी वायलेंस हुई ना, समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है, फिनलैंड ने शेख हसीना पर अपना बयान जारी किया है, शेख हसीना पर कहा है कि शरण देने पर बयान आया है फिनलैंड का, हसीना को के ठिकाने की जानकारी फिलहाल नहीं है, शरण पर कानून के तहत हम फैसला लेंगे, जो हमारा कानून है उसके तहत हम फैसला लेंगे, फिनलैंड का बयान आया है, इसका मतलब यह है कि वहां शरण मिल भी सकती है, इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं सीधा रुक करता हूं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ विवेक है, मेरे साथ रिजवान अहमद है, मेरे साथ साजिद रशीदी हैं। साजिद रशीदी, आप अपनी बात को कह रहे थे, 40 सेकंड आपके पास है, क्या आपको लगता नहीं है कि शेख हसीना का विरोध है, उसके विरोध में आप हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और उस हिंसक प्रदर्शन में आप हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं, तो देश की लिबरल लॉबी को भी समझना चाहिए ना कि सीए का जो विरोध कर रहे थे वो गलत ही था।
नहीं, सीए का विरोध बिल्कुल ठीक था। फिर कहता हूं, सीए में हमने ये थोड़ी ना कहा है, आपसे नहीं पूछा, बताने दो। अरे हमने तो ये कहा था कि नहीं सर, एक सेकंड, एक सेकंड रशीदी जी, 30 सेकंड। देखिए मैंने शुरू में कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है हिंदुओं के मंदिर पर या हिंदुओं के साथ, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उन मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन दुख जब होता है जब हमें उनके साथ खड़ा कर दिया जाता है ये कहकर कि मुसलमान आतंकवादी होता है। और सुधांशु त्रिवेदी ने भारत का नाम लिया और ये कहा कि भारत में हिंदुओं के साथ लड़ाई है मुसलमानों की, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इनका। इस बयान पर इनको माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल करा है, आप सुन लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल लेगा, बिल्कुल वापस कीजिए इनको बात। ओके सुधांशु त्रिवेदी, सारे मुल्कों का सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी का शुरू में नाम लिया सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड। मौलाना साहब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मौलाना साहब वाहियात बातें मत करिए, अब सुनिए मौलाना साहब वाहियात बातें मत करिए। मैंने आतंकवादी नहीं कहा और आपने तो बहुत सही कहा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। तो ये बताइए जो हमास में हो रहा था उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। काहे फिलिस्तीन पे बयान दे रहे थे, फिलिस्तीन का हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या लेना देना। अरे मुसलमान वो तो यहूदियों, सुनिए, और जय फिलिस्तीन संसद के सदन में बोला जा रहा है, हमास के पक्ष में, हमास के पक्ष में बुरहानपुर में जवाब दे रहे, नारे लग रहे हैं, केरल में नारे लग रहे हैं। और जनाब मौलाना साहब आए बाएं साएं मत बोलिए। आपने कहा मैंने दुनिया भर गिना दिया, मैंने 1.5 दर्जन उदाहरण बनाए, अरे हो तो 4 गिना के जाओ ना। देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगे, 1 सेकंड, दोगली पॉलिसी चलते हो आप। मैं फटाफट, मैं पहली चीज, एक सेकंड, 2.5 करोड़ की मदद दे रहे जो इन्फोसिस के हैं, 1 मिनट, एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मूर्ति भाई क्या तरीका है, फिर भी डिस्टर्ब करने लगते हैं लोग। जहां पर जरा सा कंफर्टेबल है वो बोलने लगते हैं, बोलता है तो वो आतंकवादी हो जाता है, वो हमास का साथी हो जाता है। बड़ी अजीब बात है, किसी ने आतंकवादी के। ओके वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मैं लेके आ रहा हूं। आप देखते रहिए व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का ट्यूजडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंगलवार एडिशन, ट्यूसडे एडिशन। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, चुनाव में हार और मिसगाइडेड नेतृत्व, एक आर्थिक संपन्नता की तरफ तेजी से बढ़ते देश का क्या हाल कर सकता है बांग्लादेश, इसका प्राइम एग्जांपल है, सटीक उदाहरण है। पूरे देश में अराजकता फैली है क्योंकि मिसगाइडेड नेताओं ने पहले वहां के यूथ को मिसगाइड किया और फिर पूरे देश को बारूद के ढेर पर बिठा डाला। अगर यह वाकई आंदोलन होता तो 21 जुलाई के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस दिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। लेकिन 21 जुलाई के बाद वहां हालात और बेकाबू हो गए। आरक्षण वाला मुद्दा शिगुफा साबित होता है क्योंकि प्रदर्शन का मोटिव एंटी शेख हसीना हो चुका था, जिन शेख मुजबिर रहमान को बांग्लादेश का जनक माना जाता है, उनकी मूर्ति को गिरा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी मूर्ति पर पेशाब तक कर दिया। बंगबंधु स्मारक में तोड़फोड़ की गई। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। तब लगा कि शायद अब यह हिंसा खत्म हो जाएगी, कम तो हो ही जाएगी, लेकिन अब वहां हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके बिजनेसेस को निशाना बनाया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि भारत अब ऐसे अराजक देशों से घिर चुका है। भारत के पश्चिम छोर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। श्रीलंका चीन के भंवर में फंसकर भारत से दूर हो चुका है और यही हाल चीन के चंगुल में फंसे नेपाल और म्यांमार का भी हो गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी तक बांग्लादेश इकलौता देश था जो एक हद तक कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए हुए था, अब अपनी आर्थिक तरक्की पर ध्यान दे रहा था, लेकिन वहां भी अब हालात खराब हो चुके हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश जैसे हालात आज किसी भी देश में हो सकते हैं। भारत को इस खतरे से खासतौर पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे देश में कई आंदोलन ऐसे रहे हैं जिन्हें उनके मूल मुद्दों से भटकाने की पूरी कोशिश हुई है। भ्रम और प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, टूल किट का इस्तेमाल हुआ है, विदेशी टूल किट के मोहरों ने भी माहौल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन यह देश का मजबूत नेतृत्व और समझदार जनता ने इन तमाम प्रोपेगेंडा की हवा निकाल के रख दी है।
आज सोचिए बांग्लादेश के युवा को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। लेकिन खतरा टला नहीं है और इस खतरे से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को सबक लेने की आवश्यकता है। सबक यह है कि किसी भी बात पर आंखें बंद करके भरोसा मत करिए। और कुछ लोग बड़े बड़े वादे कर लेकर आते हैं लेकिन निभाते कुछ नहीं है और अंत में हाल बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा कर देते हैं। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हिंदुओं के लिए बहुत दुखद है और दुखद इससे ज्यादा यह है कि इस देश में कई लोग इसको भी जस्टिफाई करने में लगे हैं। हम वो देख नहीं सकते कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है वो देख नहीं सकते, फ्रांस में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ वो देख नहीं सकते। ये तमाम चीजें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में, ट्यूसडे एडिशन में टक्कर के आज के इतना ही। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, गुड नाइट।